लेकिन सहयोग में एक ही बस बात है कि आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको इसको बहुत पल्लवित करना है, बढ़ाना है, वृक्ष बनना है। यही लोग कम हो जाते हैं, जैसे अभी मेरे लेक्चर में इतने लोग आए, पिछली मर्तबा से कम आए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बनना होता है। ये नहीं कि मैं सहयोगी हूँ, नहीं, सहयोगी का मतलब ये कि आपके अंदर क्या क्या शक्तियाँ जागृत हुई। सबसे तो पहले आपको वो स्थिति मिलती जिसे हम लोग निर्विचार समाधि कहते हैं। विचार हमारे अंदर आते हैं और जाते हैं, भूतकाल से भविष्यकाल तक हम सोचते रहते हैं, पर वर्तमान को हम नहीं जानते और वर्तमान असलियत है। तो विचार उठे नीचे गए, फिर विचार उठे नीचे गए, उसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं, पॉज। वो विलंब को हम नहीं पकड़ पाते जहाँ वर्तमान है, या तो आगे की बात सोचते हैं पीछे की, जैसे अभी जिनको जाना है वापस सोच रहे होंगे कि अब ट्रैम मिलेगी नहीं, बस मिलेगी नहीं, ये है नहीं, वो नहीं, या तो पिछली बातें सोचते रहे। और मैं अगर कहूँ कि अभी वर्तमान में आप खड़े हो जाइए तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक विचार उठा खत्म, दूसरा विचार उठा खत्म, और हम उसके ऊपर में नाचते रहते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो विचार लंबाकृत हो जाते हैं, ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं लंबाकृत, और उसके बीच में जो जगह बन जाती है और वर्तमान में आप खड़े हो जाते हैं। और जब आपका चित्त वर्तमान में होता है तो आप कुछ नहीं सोचते, निर्विचार, और निर्विचार में आनंद झरने लग जाता है। अब जैसे यहाँ एक बड़ा सुंदर कारपेट है, एक उदाहरण के लिए, तो मैं कहूँगी भाई कितना सुंदर है, अब मैं अगर ये मेरा है तो मेरे लिए सर दर्द हो जाएगा कि भाई ख़राब ना हो जाए, ये नहीं वो नहीं, इंश्योर करो, सब जो होते हैं प्रॉब्लम्स कोई चीज़ पाने की, और मेरा नहीं दूसरे का है तो मैं ये सोचूंगी कितने का मिला, कहाँ मिला, कब पाएंगे ये। लेकिन अगर हम निर्विचार इसे देखें तो इसको बनाने में जिस कलाकार ने अपना आनंद बूट दिया है, वही आनंद सर से लेकर नीचे तक ठंडा ठंडा बहना शुरू हो जाए, और उस आनंद में आप स्नात हो जाएंगे। जब आप निर्विचार हो जाते हैं तब आप अपने शांति में खड़े हो जाते हैं। शांति, ये कहने की बातें हैं कि शांति के बड़े बड़े इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, शांति में अवार्ड्स दिए, ये वो, मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है जिनको बड़े शांति अवार्ड्स मिले, इतने गर्म होते हैं, इतनी गर्म तबीयत कि उनसे अगर मिलना हो तो एक लकड़ी जा लेके जाइए सामने, और नहीं तो लेके दो चार झापड़ी मार के जा, कोई आप उनसे बात ही नहीं कर सकते, इतने गुस्से ले लो, उनमें कोई प्रेम की झलक भी नहीं, वो क्या शांति दें। और उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, पता नहीं किस तरफ से देख के दिए उनको इंटरनेशनल। इस प्रकार हम लोग बिल्कुल भुलावे में रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जब शांति प्रस्थापित होती है तब हम समझते हैं कि शांत चित्त क्या होता है। जैसे कि आप पानी में खड़े हैं तो आप परेशान हैं उसकी लहरों से, क्योंकि लहरें आकर के आपको डरा रही कि कहीं डूब ना जाए, पर अगर आप किसी नाव में चले जाए तो आप लहरें देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, आपको घबराहट नहीं, पर अगर आप तैरना जानते हैं तो आप कूदते हैं नीचे में और जो डूब रहे हैं उनको बचा सकते हैं। इसी प्रकार सहयोग में आपकी प्रगति होती, पहले आप निर्विचार समाधि में उतरते हैं, फिर आप निर्विकल्प समाधि में उतरते हैं। कभी कभी ये किसी को दोनों एक साथ मिल जाते हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, दोनों चीज़ एक साथ घटित होती है, और इसमें इंसान जो है उस शांति को भी प्राप्त करता है और उन शक्तियों को भी प्राप्त करता है जो उसके अंदर निहित है। पर उसका कोई वो ये नहीं कि उसके लिए बाल मुंडा ले या उसके लिए भगवा वस्त्र पहने, कुछ ये सारे भाव अंदर। आपको तो राजा जनक की कहानी मालूम है, मुझे नहीं बताना चाहिए, पर जैसे अब मैं गृहस्थ हूँ, मेरे पति ऐसे ऐसे हैं, चलो उन्होंने कहा तो कपड़े पहन लिए अच्छे, कहा तो जेवर पहन लिए, जब किसी चीज़ को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? अगर आपने पकड़ के रखा है तो आप छोड़ सकते हो, पर अगर पकड़ा ही नहीं तो छोड़ो क्या? इस तरह की स्थिति जो है संन्यास्त अंदर से होती, बाह्य से दिखाने की स्थिति नहीं होती। बाहर से तो कपड़े सन्यासी के पहले अंदर धंधे चोरों के, इसका फायदा क्या? तो ये जो ढोंग है
ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि मानव अपनी इज्जत करने लगता है, अपना मान उसको होता है, उसके अंदर एक तरह की चमक आ जाती है कि मैं क्यों, मुझको क्या करना। और ये आत्म साक्षात्कारी लोग ही दुनिया में बड़ा बड़ा नाम करते हैं, जैसे अपने तिलक साहब, तिलक आत्म साक्षात्कारी थे इसमें कोई शक नहीं, अब्राहम लिंकन थे वो आत्म साक्षात्कारी थे, शास्त्री जी थे वो आत्म साक्षात्कारी। हमें तो हम कहते हैं कि जो लोग आत्म साक्षात्कारी नहीं वो कभी भी सत्य पे टिक ही नहीं सकते। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, बस झगड़े शुरू आपस में, क्यों, क्योंकि असत्य पे खड़े हो, इसीलिए सब डामाडोल हो रहा है। तो पहले आपको प्राप्त करना चाहिए कि अपनी अंदर की शांति, इस शांति को प्रस्थापित किए बगैर आप कोई भी विश्व में शांति नहीं कर सकते। आपको आश्चर्य होगा, रशिया में यहाँ से कहीं अधिक लोग, सारा इससे बड़ा भी होता है स्टेडियम, सारा भर जाता है और सारे के सारे एक साथ पार हो जाते हैं। और इतने शांत चित्त लोग हैं रशिया के। कम्युनिज्म का यही फायदा मैंने देखा कि उनको किसी चीज़ से, जिसको कहते हैं कि किसी चीज़ को पकड़ नहीं, उनकी गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तुमको हम तुम्हारे फ्लैट्स दे देते हैं ले लो, कहना ना हमको नहीं चाहिए तुम ही रखो, ये एक फायदा हुआ। उसमें 35 या 40 फीसदी लोग बहुत ही बेकार हैं, उनको तो मालबरो सिगरेट दे दो तो भी चाहिए, वो खुद दे दो तो चाहिए, पर बाकी के जो हैं इतने कमाल के लोग हैं। जिस वक्त मैं कूह हो रहा था, मैं वहाँ थी, तो मैंने कहा तुम लोग परेशान नहीं कि कूह हो रहा है, खेले माँ हम कोई इस राज्य में थोड़ी रहते हैं, हम तो वी आर लिविंग इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमात्मा के साम्राज्य में रहते हैं, हमको क्या परवाह। और इस तरह से उन लोगों ने अपने को समझ लिया, इस तरह से पार हो जाते हैं। हजारों हजारों लोग रशिया में पार होते हैं। एक गांव है तलियाती, वहाँ 21,000 सहयोगी हैं, सहयोगी हैं, इसमें फ़र्क है पार हो जाना और सहयोगी होना। और एक मजाक ऐसा है कि उन्होंने एक अमेरिकन सहयोगी से पूछा कि भाई अमेरिका में कितने सहयोगी हैं, तो उन्होंने कहा कि 57। तो कहा है तुम्हारे यहाँ 57,000 हैं, हमारे तो तलियाती में 21,000 ही। तो ये फ़र्क अमेरिकन और एक रशियन का है। ये समझने की बात है कि जो रशिया में हालत हो गई वो यहाँ भी हो, इसमें कोई शंका नहीं, पर उसमें ये देखना है कि आप लोग सहज में हैं या नहीं, क्योंकि सहज ये मध्य मार्ग है, बुद्ध का बताया हुआ मध्य मार्ग, मध्य में आना चाहिए, एक एक्सट्रीम में राइट, एक एक्सट्रीम में लेफ्ट है, इसके मध्य में जो है वो सहज हो गए और आप मध्य मार्ग होते हैं। आप बुद्धिस्ट नहीं होते, वो भी एक नमूने हैं, बुद्धिस्ट को छोड़िए, पर मैं कहती हूँ कि आप मध्य मार्ग हो जाते, असलियत में मध्य मार्ग हो जाते, एक संतुलन आपके अंदर आ जाता। उसके बाद आपके अंदर, अब ये बंगाल तो कला के मशहूर है, बहुत कला है, लेकिन उस कला का प्रादुर्भाव नहीं, उस कला के संसार में कहना चाहिए कि लोगों को पहचान नहीं। और वो कला जो आपके अंदर आज ऐसी ही बंगाल में घुट रही है, वो सारे विश्व में फैल जाए, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी व्यक्ति जागृत हो जाएगी जो एक विशेष रूप कला को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रादुर्भाव के लिए एक विशेष रूप से कार्यान्वित होंगे। अब हमारे यहाँ बहुत से कलाकार सहयोग में आकर के कहाँ से काम हो रहे हैं। आपने देबू चौधरी का नाम सुना होगा, उनके हाथ में क्रैम्प्स होते थे, पहले बजा नहीं पाते थे, सहयोग में आते आज कहाँ से काम हो रहे हैं। अमजद अली, उनसे पूछा, सिफात हुसैन का, इतने लोग हैं जो कि सहयोग में आने के बाद ही पनप गए। सुष्मिता सेन भी सहयोगिनी है। इसका जो अंदर से ये माँ की लालच बच्चों को देने की के जैसे अगर आपको कोई बात कहनी है तो चॉकलेट में घुसा के दे दो तो दिमाग में आते, तो पहले तो कला, पर दूसरी बात जो बंगाल की खास है वो है प्रेम। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे श्रेष्ठ लेखक
बंगाल में हुए शरदचंद्र, उनसे बढ़ के कोई लेखक नहीं जिन्होंने कि इतना प्यार को समझाया, इतना बारीक बारीक संवेदना उन्होंने लिखी। उस प्यार की शक्ति जो अपने अंदर थोड़ी सी भी पनप रही है, उसका जो विश्व रूप है उसे आप प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ जैसे कि कविता है, रविंद्र बाबू ने ये विजन देखा था कि भारत के शोर पे, भारत के किनारे ऐसी ऐसी लोग आएंगे, ये सब हो रहा है। गणपतिपुरे करके एक जगह है, वहाँ पर ये सब हो रहा है, जो उन्होंने कहा था वो साकार हो गया। लेकिन इन लोगों को ये 70 देशों से आते, मैंने कभी लड़ते नहीं देखा, झगड़ते नहीं देखा, कोई गंदी बात बोलते नहीं देखा, और निरीक्षक। मैंने कहा भाई यहाँ बड़ा तुम लोगों को, अब ये लोग सब रईस करके भी हैं, काफ़ी आराम से रहते हैं, कि बे आराम ही है तुमको। तो कहले नहीं माँ, हमें तो आत्मा का आराम चाहिए, वो हम यहाँ प्राप्त करें। हम तो आत्मा के आराम के लिए, शरीर का आराम क्या करें, कैसे भी सो लेंगे, कैसे भी रह लेंगे, एकदम मस्त अवधूत बने हुए। अब बताइए कि फॉरेन के लोग, इंग्लैंड में जो पहला हमारा ये हुआ मुठभेड़ हुई, तो 7 ड्रग एडिक्ट्स के साथ, 7। अब पढ़े लिखे, कोई प्रिंसिपल यहाँ का तो कोई प्रोफेसर वहाँ का, सब कैम्ब्रिज और ऑक्सफर्ड के लोग, 7। और उनसे जूझते जूझते 4 साल लग गए। एक तो खोपड़ी में सब भरा हुआ, कैम्ब्रिज ऑक्सफर्ड, और दूसरे ड्रग लेना, शराब पीना और अनैतिकता, सब चीज़। पर कुंडलिनी के जागरण से जैसे कोई 7 पिलर्स खड़े हो गए, इस तरह से वो लोग इंग्लैंड में खड़े। इंग्लैंड जैसे देश में जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं, वहाँ पर भी आप सोचिए इससे ज़्यादा लोग आते हैं प्रोग्राम, इससे बहुत ज़्यादा। वहाँ का रॉयल अल्बर्ट हॉल बिल्कुल गचा गच भर जाता है। अब ये ज़रूर है कि बंगाल में देर से आए, लेकिन तो भी मुझे लगता है कि बंगाल देश का सबसे ज़्यादा अधिकार सहयोग को प्राप्त करने का, क्योंकि यहाँ एक से एक कर्मवीर हो गए, धर्मवीर हो गए, हर तरह के लोग यहाँ हो। और इस देश में सहयोग फैलना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ऐसा है कि पहले आपको देख करके आप जब सहयोग में आएंगे, आप जब इसको प्राप्त करेंगे और जब आप में सब शक्तियाँ आएंगी, तब तो ना दूसरे लोग आएंगे। लेकिन अभी आधे लोग उठ के चले गए, ऐसा और कहीं नहीं होता। आपको आश्चर्य, एक पत्ता नहीं हिलता, क्योंकि सब लोग अपना भला चाहते, सब चाहते हैं कि हमारा कल्याण। उस चीज़ की अगर ध्यान करके आप बैठे तो आपको आत्म साक्षात्कार देना बहुत आसान। आपके बच्चों के आज प्रश्न खड़े हो रहे हैं और आगे की प्रोजिनी कैसी होगी उसका पता नहीं। एक तो ये जो कुछ भी पाश्चिमात्य वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे अंदर आ गया, उससे हमारे बच्चों का कितना नाश हो रहा है। ये सब चीज़ अगर आपको रोकना है तो आप बच्चों को सहयोग में लाएं। उसमें बस यही बात है कि जैसे कोई कहे कि मेरे हाथ में एक सांप है, अब मैं हठी हूँ, कहे कि आपके हाथ में सांप, तो मैं कहूँगी नहीं, ये तो सांप नहीं है, ये तो डोर है, जिद करूँगी। पर जैसे ही कोई प्रकाश आ जाएगा उस सांप को मैं छोड़ दूँ। इसी प्रकार सहयोग में जब मनुष्य आता है तो आत्मा के प्रकाश में जो कुछ चीज़ हमारी नाशवंत है, डिस्ट्रक्टिव है, उसको एकदम छोड़ देता है, एकदम। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक रात में लोगों ने ड्रग्स छोड़ दिया, हजारों लोगों ने। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रश्न है वो ये कि हम में बहुत से ऐसे संस्कार हैं जो गलत हैं। पहले तो संस्कार हमारे कर्मकांडों के, फिर दुनिया भर के झूठे गुरु लोग। पहले दिन मैं आई थी जब यहाँ पहला प्रोग्राम हुआ तो हॉल में सिर्फ एक आदमी था, आप सोचिए, और बाहर एक तांत्रिक अपने को मार रहा था हंटर से, वहाँ हजारों लोग खड़े थे। मैंने कहा बाबा इस बंगाल को नमस्कार। पता नहीं क्या हुआ, वो तांत्रिक के पीछे लगा। फिर जिसको पूछे, मैं दीक्षित हूँ, हर एक आदमी दीक्षित, दुखित है ये नहीं कोई कहता, पर दीक्षित। और इस दीक्षा में आपने क्या प्राप्त किया, कम से कम ये तो पूछना चाहिए खुद से। मैं इसलिए आज साफ साफ कह रही
कि किसी भी चीज़ से एक माँ ये पूछे कि बेटे तुमको क्या मिला, तुमने क्या प्राप्त किया, तुम दिक्कत हो गए, कुछ मिला तुम, उससे कुछ लाभ हुआ, सहयोग के लाभ अनेक अनेक अनेक, अनेक।